ठीक है, देखें, एक सीधा व चिकना ट्यूब अपने एक सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी क्षैतिज तल में घूमता है। क्षैतिज का मतलब ये वाला प्लेन, ये वाला ऊर्ध्वाधर, ठीक है, घूमता है। यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थिर बिंदु से ए दूरी पर हो, ठीक है, और ट्यूब के सारे विवेक से चल रहा हो, तो सिद्ध करना है कि टी समय पर जो इसकी दूरी है वो ये होगी। देखें, आप इमेजिन करें कि जब कोई कण, ये जैसे मान लो ट्यूब है, कोई कण चल रहा है तो इसकी तय से चिपका हुआ चलेगा, चलेगा ना, ऐसा रिंग वाला समझो आप, इसके अंदर मैं कोई रिंग डाल लूँ, ठीक है, और ऐसे घुमाऊँ, तो रिंग की जो परिधि है वो बार बार जो चौक की सरफेस है बाहर वाली, इसको टच करेगी ना, तो इसका मतलब यह है कि वही एक ऐसा वेग है जो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, बाहर नहीं निकलने दे रहा, परपेंडिकुलर तो लगता ही नहीं, ये परपेंडिकुलर वाला ही है जो ये इसको इसे बार बार घुमाते रिंग ऐसे घूम घूम के आती, परपेंडिकुलर वाला है जो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, एक यही वेग है, क्योंकि अगर ये अनुदिश वाला है वो लगता तो ये खींचती, रिंग खींचती और बाहर निकल जाती। हाँ, अपन कई बार जोर से घुमा देते तो रिंग बाहर निकल जाती, तो उसका मतलब क्या है कि वो बाहर वाला जो कॉम्पोनेंट है वो कहीं ना कहीं से काम करने लग गया, वर्क करने लग गया उस पर, इस वजह से वो बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन आराम से घुमाते हैं तो परपेंडिकुलर काम करता है, तो इसलिए अपन मानते हैं कि जो अरे जो त्वरण है वो इसका जीरो होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे घूमती है तो उसको बल लगता है, तो बाहर की साइड कोई बल नहीं लगेगा, जैसे घूमेगी तो परपेंडिकुलर लगेगा, इसका मतलब जो बल परपेंडिकुलर लग रहा है तो जो त्वरण है वो भी परपेंडिकुलर ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ऐसे क्वेश्चनों में, स्पेशली जो किसी के सारे घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका आर्य त्वरण सॉल्यूशन देखिए, आर्य त्वरण कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें देख सकते हो जो मैंने बताई है, कि हम जानते हैं कि जो कोई भी जैसे देखिए जो कण है वो ट्यूब के सहारे अगर गति करेगा तो उसका आर्य त्वरण का मान शून्य होगा, वो आप सब लिख सकते हो, ठीक है। तो आर्य त्वरण होता क्या है, आर डबल डैश माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए इसको चेंज कर दो, डी स्क्वायर आर पर डी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको कर दो आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, बस ये ठीक यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है, यानी कि एक चीज और दी है, डी थीटा बाई डी टी का मान जो है वो डब्ल्यू दिया है, उसको ओमेगा दिया है, और वो कितना है, नियत है, ये चीज़ें भी गिवन है आपने, वो भी नियत दिया है आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुट करो, ये देखो डी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और आर बराबर एक, याद करो ऐसे इक्वेशन का पढ़ देते अपन सेकेंड डे में, तो यहाँ से डी की दो अंक लगे कौन कौन से, प्लस माइनस डब्ल्यू, और इसका अपन ए की पावर में भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यानी कि सी वन ए की पावर ओमेगा टी प्लस सी टू ए की पावर माइनस ओमेगा टू, सही है वो सॉल्यूशन, सी एफ जिसका जो होता है इसका वो भी सही होता है। लेकिन जब यहाँ पे अपने को रिजल्ट प्रूफ करना है वो कॉस एच में है, हाइपरबोलिक में है, तो अपन इसका रिजल्ट भी हाइपरबोलिक में ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखें सी एफ का मान देखना, जैसे सी वन कॉस एच ओमेगा टी प्लस सी टू साइन एच ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं, पी आई, पी आई देखें, पी आई जीरो अपॉन डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखें फ्रैक्शन नहीं तो मतलब डी का मान जीरो, तो जीरो अपॉन ओमेगा स्क्वायर वो भी तो भी जीरो, तो पी आई का मान कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो और ये जो आर है कितना आ जाएगा, सी एफ प्लस पी एन, वैसे ऐसे ऐसे तो निकाल देते सेकेंड डेज में अपन, तो आर का मान देखें सी वन कोस एच ओमेगा टी प्लस सी टू साइन एच ओमेगा टी, सी एफ का मतलब होता है पूरक फलन, ठीक है, पी आई का मतलब होता है विशेष फलन, ठीक है, पी आई जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है उसको, ठीक है। अब देखें ये बात इक्वेशन आ गई, आर डैश वो निकाल लेता हूँ एक बार, आर डैश निकालूँ तो जगह सी वन साइन एच ओमेगा टी प्लस सी टू कोस एच ओमेगा टी, देखना ये
ओमेगा बाहर ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी आएगा एच ओमेगा टी है, तो ओमेगा इसमें भी कॉमन आएगा, ओमेगा इसमें भी कॉमन आएगा, अवकलन करेंगे तो आर डैश कॉमन आएगा फार है। ठीक है, अब देखें जब आर बराबर ए है तो पी बराबर जीरो, तो देखें पहले इक्वेशन में जब आर बराबर ए है तो ए लिख दो और टी बराबर जीरो है तो इसमें देखेंगे तो ये सी वन आ जाएगा क्योंकि कोस का मान नहीं पता प्लस। अब सिक टू कितना देखो साइन वाला जीरो हो जाता है, साइन जीरो जीरो। ठीक है, तो सी वन का जो मान है तो यहाँ से आ गया ए। ठीक है, अभी और बात करेंगे अभी देखो पर्सन में एक चीज और गिवन है कि वी वी वेग से चल रहा है तो आर डैश का अपन किससे रिप्लेस कर दें वी से। ठीक है, वी से तो वी की इक्वेशन हो गई। तो देखें अगर जब आर डैश का मान वी है ऐसे नहीं तो अगर जब आर डैश से रहने से यहाँ से वी डैश आर का मान आर डैश का मान कितना वी है तो टी का मान कितना है जीरो, सारे चल रहा है तो टी का मान जीरो। तो देखें आर डैश का मान वी है तो वी बराबर है ये ओमेगा और अब कितना देगा सिक टू, तो सिक टू का मान कितना देगा वी अपॉन ओमेगा। यानी अब ये सी वन और सिक टू दोनों का मान आर वाले इक्वेशन में रख दें तो क्या हो जाएगा ए कॉस एच ओमेगा टी प्लस वी बाय ओमेगा साइन एच ओमेगा टी। ये इतनी दूरी वह जो कण वो जो कण है जो ट्यूब के सारे सर्कल है वो तय करेगा। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है, इम्पोर्टेंट लगा उसको। ठीक है।